हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क स्टेटस के बारे में। जब आप एक ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं या आप किसी से चेक करवा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका ऑब्जेक्शन आ जाता है। क्योंकि नॉर्मली जो 60-70% केसेस ट्रेडमार्क अप्लाई होते हैं वो ऑब्जेक्शन आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आ जाता है और आप टाइम पे रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका ट्रेडमार्क अवॉइडेड हो जाता है। जब आपका ट्रेडमार्क अवॉइडेड हो जाता है तो जो भी आपने फीस पे किया होता है वो सारा का सारा कैंसिल हो जाता है। मीन्स आपको कोई अमाउंट उसमें से रिफंड आपको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल करें तो आप प्रॉपर सर्च करके कि उसमें ऑब्जेक्शन आए। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो टाइम पे रिप्लाई फाइल कीजिए, और रिप्लाई अगर हियरिंग पे जाता है तो आपको टाइम टू टाइम एवरी मंथ या एवरी टू मंथ्स आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हियरिंग आपका मिस हो गया तो उस केस में भी आपका ट्रेडमार्क वहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे कंसल्टेंट आपसे ट्रेडमार्क तो अप्लाई करवा देते हैं बट उसके बाद का स्टेटस आपको टाइम टू टाइम नहीं बताते। जैसे नॉर्मली आप जब ट्रेडमार्क फाइल कर लेते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि कितने मंथ बाद आपका रजिस्टर होकर आएगा या क्या ऑब्जेक्शन आया। क्योंकि नॉर्मली होता है कि आपका ट्रेडमार्क अप्लाई हो चुका है तो सर 6 से 8 2 साल में आपका नॉर्मली रजिस्टर होकर आ जाएगा। बट ऐसे केसेस नहीं होते कि हर ट्रेडमार्क अप्लाई करने पर रजिस्टर होकर आ जाता है। उसमें टाइम टू टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि अभी मेरा क्या स्टेटस है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस है तो आपका इसका क्या मीनिंग होता है। हाँ जी फ्रेंड, तो अब हम चलते हैं ट्रेडमार्क स्टेटस के लिए। तो देखिए, नॉर्मली आपको कोई भी ट्रेडमार्क, सपोज एक मैं ट्रेडमार्क दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो आपको चेक करना है, जो आपको ट्रेडमार्क आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि जब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो आपका ट्रेडमार्क किस क्लास में आपने अप्लाई किया होगा, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको नॉर्मली गूगल सर्च पर जाना है, वहाँ पे सर्च करना है पब्लिक सर्च। पब्लिक सर्च पे जाके जो भी आपका ब्रांड का नेम है वो अप्लाई यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपने किस क्लास में अप्लाई किया है वो भी आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप अपना ट्रेडमार्क का डिटेल डाल के और ये कैप्स कोड डाल दीजिए। जैसे आप डालेंगे, देखिए ये एक्सेप्ट और एडवर्टाइज का आपको दिख जाएगा। अब ट्रेडमार्क में स्टेटस कौन कौन से होते हैं और किस स्टेज पे होते हैं, तो देखिए सबसे पहला मैं आपको दिखा दूँ, जो लास्ट है एक होता है जो फर्स्ट आ जाता है आपका सेंड टू वियना कोडिफिकेशन। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उसमें आ जाता है सेंड टू वियना कोडिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका नॉर्मली आ जाता है फॉर्मेलिटी चेक पास। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका स्टेटस फॉर्मेलिटी चेक पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है अगर ट्रेडमार्क में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आपका आ जाएगा एक्सेप्टेड का स्टेटस शो करेगा। नेक्स्ट अगर कोई और ट्रेडमार्क, मैं आपको बहुत सारे ट्रेडमार्क का स्टेटस बता रहा हूँ जो जो आता है, जैसे मार्क फॉर एग्जाम आपका आ गया, ऐसे ही करके आपका जो एक स्टेटस हो गया आपका यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट और एडवर्टाइज हो गया। और इसके बाद जो होता है वो रजिस्टर हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रखा है और वो रिप्लाई आपने फाइल कर लिया और डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में उस ट्रेडमार्क को हियरिंग पे किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग। इसके अलावा जो लास्ट स्टेज होता है, अगर उसमें होता है अपोज, तो अगर आपका ट्रेडमार्क किसी और कंपनी ने किया है तो उस केस में उसको हम अपोज्ड बोलते हैं, जिससे कि आपका ट्रेडमार्क कोई और थर्ड पार्टी ने अपोज्ड किया है। तो ये सारे स्टेटस होते हैं, तो ऐसे इसका डिटेल निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे सपोज आपका ये ट्रेडमार्क का था, इसका आपने एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लीजिए आप अपना, उसका ई रजिस्टर पर जाके आप यहाँ पर आप अपने डिटेल फिल करेंगे, अपना और कैप्स कोड जो एप्लीकेशन नंबर है वो मेंशन कर दीजिए, उसका जो कोड आएगा वो आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे ये व्यू पे जाएंगे तो देखिए आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। कोई एग्जामिनेशन रिपोर्ट आया तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या है एग्जामिनेशन रिपोर्ट आया हुआ है इसका, ठीक है। तो जैसे 91B का आया हुआ है, 11 का आया हुआ है, इतने सारे ट्रेडमार्क थे। तो ये सारे ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके ट्रेडमार्क में अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो कैसे आया, उसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है, कैसे आपको उसका हियरिंग अटेंड करना है। तो ये सारे काम ट्रेडमार्क की हम लीगल टैक्स के हमारे जो प्रोफेशनल है वो करते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको हेल्प चाहिए या करवाना है, आपको प्रोसेस करवाना है, तो आप लीगल टैक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपको एक नॉमिनल कॉस्ट पे हम आपको ट्रेडमार्क अप्लाई प्लस अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसका रिप्लाई करके देते हैं, प्लस अगर कोई हियरिंग आता है तो वो भी एक नॉमिनल कॉस्ट होता है मार्केट से, और आपका ट्रेडमार्क हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको हम वो एक्सेप्ट करवा के देते। तो इसके लिए अगर आप वीडियो के चैनल के थ्रू आते हैं तो जो हमारी फ़ीस होती है उसमें आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिलेगा, जिससे कि आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करके भी आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक यू एंड धन्यवाद। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर इसलिए कर लीजिए कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो जिससे आपको हेल्प मिलता रहे, इसलिए जरूरी है। थैंक यू एंड